छह निशानियां हुजूर ने और बयान की बुखारी मुस्लिम में। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत की कसरत हो जाएगी, और तीसरा फरमाया जब जिनाकारी बहुत ज्यादा होने लगेगी, चौथे नंबर पे फरमाया जब शराब आम हो जाएगी, और पांचवें नंबर पर फरमाया जब मर्दों की तादाद कम हो जाए और औरतों की ज्यादा हो जाए, और छठे नंबर पे फरमाया जब तुम देखो कि 50 औरतों की सरपरस्ती करने वाला एक मर्द है, उनकी निगेबानी करने वाला एक है, एक मर्द है 50 औरतें, जब ये छह अलामतें आए तो समझ लो कयामत आने वाली। इल्म उठा लिया जाए, इल्म कैसे उठता है? उलमा जब चले जाते हैं और पीछे नए उलमा तैयार नहीं होते तो फिर इल्म उठ जाता है। बहुत सारे जिलों के जिले ऐसे हैं जहां आलिम नहीं मिलता, सिका आदमी नहीं मिलता, जिलों के जिले। हमें शौक ही नहीं कि हमारा बच्चा आलिम बने, हमारा मिजाज ही नहीं, और इल्म की बात हम सुनते भी नहीं, ना उन लोगों के करीब बैठना, उनसे कुछ लेना हमारा मिजाज होता है, जो इल्म के मामले में रसूख रखते हैं, हमारा मिजाज ही नहीं। इल्म उठता जा रहा है, ये इस महीने में दर्जनों उलमा चले गए, दर्जनों। हम उलमा को नहीं जानते, हम तो वाइजीन को जानते हैं जिनकी शोहरत ज्यादा होती है। इल्म उठता जा रहा है, जहालत बढ़ रही है। आप यकीन करें कि फतवा लेने के लिए सिका आदमी नहीं मिलता, और हम अपने बच्चों को इस फील्ड में लाने को तैयार नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया जब जिना बढ़ने लगे, कैसे कहूं कि आलमी आदाद शुमार कहते हैं पाकिस्तान में जिना तेजी से सस्ता होता जा रहा है, जिना करना आसान हो रहा है, शराबें फख्र के तौर पर पी जाती है। वो कहते हैं जी ये चौधरियों की शादी है, वडेरों की शादी है, इस पे शराब ना आए तो शादी कैसे आगे बढ़ेगी? याद रखें शराब पेशाब से भी ज्यादा पलीद है ये, तो अपने तसव्वुरात को समझें।